सबसे चमकदार दाना है और वहां ऊपर है पपी डॉग कैनिस माइनर। ही श्वान तारा मंडल जो अपने चमकने वाले तारे जाने के साथ है। प्राचीन काल में मानव जंगली जा और पूंछ के नजदीक है गैनेबोला जो एक जवान तारा है। दक्षिणी आसमान में हम देख सकते हैं एक प्राचीन जहाज को, नौका मंडल को जो है आर्गो। हमने इस जहाज यहाँ ग्वाला नक्षत्र में बूटीज द हर्ड्समैन में हमें दिखता है स्वाति तारा यानी आर्क्टरस जो चौथा चमकीला तारा है। आसमान का पांचवा चमकीला तारा पूरब की ओर से उदय होते हुए दिखता है। ये है अभिजीत यानी वेगा जिसका खगोल विद्या विशारदों ने सूरज से भी ज्यादा अभ्यास किया है। अन्य दो चमकीले तारे डेनेब ऑफ सिग्नस और एल्टेयर ऑफ एक्विला के साथ वेगा एक लोकप्रिय त्रिकोण का आकार धारण करता है जिसे समर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका हर मई में उदय होता है जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना देता है। किसी भी समय आसमान की ओर नजर करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं लगभग 3000 तारे, जिनमें से कुछ ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ फीके और कुछ को तो हम देख ही नहीं पाते। हमारी आकाश गंगा में मौजूद 4000 लाख से भी ज्यादा तारों का ये एक छोटा सा हिस्सा है। विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना अंतर काटता है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमीडा आकाश गंगा जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, और ये एंड्रोमीडा हमारी सबसे नजदीकी आकाश गंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई है। हमने हजारों वर्षों तक विश्व का निरीक्षण करके उसे समझने की कोशिश की है। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगहें होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जीव वैज्ञानिक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी
महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है, यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हमें व्यास यानी कि महाश्वान या कैनिस मेजर दिखता है, सीरियस या